हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। फाइनली रॉयल एनफील्ड वालों ने डिसाइड किया है कि वो प्रीपोन करके ये साल लॉन्च करेंगे मीटियोर 650। एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। इनफैक्ट मोस्ट सर्च्ड और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे चैनल में कि भाई मीटियोर 650 कब लॉन्च होने वाला है। ऑफिशियली कंपनी की तरफ से अपडेट आया है कि वो इकमा 2022 में इसको अनवील करेंगे। अगर आप इसके रेयर एंड को देखते हो तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मीटियोर के याद दिलाएंगे। अभी हम बात करें बाइक के बारे में तो देखो, इंजन जो होगा वो इंटरसेप्टर के इंजन पे बेस्ड होगा और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है, बहुत सालों से हमारे मार्केट में है। और लोग अगर इसको ख़रीदना चाहते हैं और सोचते हैं कि भाई रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्ट क्वालिटी कैसा होता है, इनिशियल बैचेस में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो थोड़ा बहुत वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे इश्यूज आते हैं, उसके बाद ख़रीदेंगे। आपको मैं बता दूं कि ये सेम इंजन इंटरसेप्टर में बहुत सालों से वो यूज़ कर रहे हैं और ऐसे मेजर इश्यूज इस इंजन के साथ नहीं आया है। और सबसे बेस्ट इंजन है रॉयल एनफील्ड का 650cc का पैरेलल ट्विन, क्योंकि स्मूथ है, पावरफुल है और इस साइज के बाइक के लिए परफेक्ट है। द गुड न्यूज इज इट इज नॉट गोइंग टू एंड ईयर। रॉयल एनफील्ड ऐसे बहुत सारे बाइक्स लॉन्च करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था और बताया था कि प्लेटफॉर्म शेयर करने से कंपनी बहुत पैसे बचाता है। रॉयल एनफील्ड इस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बहुत सारे बाइक्स लॉन्च करते हैं और आप इसी प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सारे बाइक्स देखने वाले हो। जब ये लॉन्च होगा यू डोंट हैव टू गेट एक्साइटेड, क्योंकि अगले 2-3 महीने में और 2-3 मोटरसाइकिल ज़रूर लॉन्च करेगा रॉयल एनफील्ड। अभी इसमें बहुत सारे कॉस्ट कटिंग के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो आपको लोग बताएंगे नहीं। अब जब आप 650cc के बाइक्स के तरफ जाते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि भाई क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगा, आपको बेटर क्वालिटी मिलेगा, बहुत सारे हाई फाई फीचर्स मिलेंगे, बट जब आप इस बाइक को देखते हो ना तो आपको पुराने वाले मीटियोर का ही याद आता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो, वही पुराने वाला ट्रिपर नेविगेशन, एंड इट्स अ वेरी सिंपल बाइक जहाँ पे बहुत सारे आपको LED यूनिट्स, ये सब डिजिटल TFT यूनिट्स सब देखने को नहीं मिलता है। वो कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाना चाहते हैं। आप इंटरसेप्टर भी देख लो, कॉन्टिनेंटल GT भी देख लो, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें आपको देख के लगेगा कि बाई 650cc के बाइक में ये होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट मत करो, पर टेक्नोलॉजिकली सेम होगा इंटरसेप्टर जैसे। अब इसमें जो टायर्स आते हैं ना वो भी बढ़िया है। इसमें आपको पिरेली के टायर्स मिलते हैं एंड आई थिंक दैट विल डू ए गुड जॉब इन प्रोवाइडिंग गुड कम्फर्ट। बट अब चीज़ ये है कि जो टेस्ट हो रहा था इंडिया में दैट केम विथ C8 के जूम टायर्स, तो आई डोंट नो कि जब वो इंडिया में लॉन्च करेंगे किस टायर पे जाएंगे या ऑप्शन भी ऑफर करेंगे। अपसाइड डाउन फोर्स मिलने वाले हैं इसमें, जो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि जो क्रूज़र बाइक्स होते हैं उनका हैंडलिंग और फ्रंट एंड फील उतना बढ़िया नहीं होता है, और इसमें अपसाइड डाउन फोर्क्स देने के बाद वो ज़रूर हैंडलिंग इम्प्रूव करने वाला है। जिनको रोड प्रेजेंस चाहिए कम प्राइस में, ये बाइक बेस्ट है। बट आपको सिटी में अगर ये चलाना है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसका राइडिंग पोस्चर देख लो, इसके बाइक का वेट देख लो, ये कितना बड़ा है। अगर आपको लगता है आप गली में इसको लेके जा सकते हो, विदाउट एनी प्लानिंग आप इसमें टूरिंग कर सकते हो, तो बिल्कुल गलत है। ये हाईवे टूरिंग के लिए बना है, बट एक और बात ये है कि ये अच्छे रोड्स के लिए बना है। ये खड्डे और ख़राब रास्तों पे चलाने के लिए बिल्कुल नहीं बना है, क्योंकि आपको ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा। ये बाइक चाहता है आप बाइक पे बैठो और आराम से रिलैक्स करो और क्रूज़ करते रहो। 648cc का पैरेलल ट्विन इंजन, जो 47 ब्रेक हॉर्स पावर एट 7000 RPM और 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 5000 RPM में। 6-speed का गियरबॉक्स आता है और इसके इंजन में थोड़े से ट्वीक्स जरूर आपको देखने को मिलेंगे इंटरसेप्टर से, बट इंजन सिमिलर है, इंजन सेम है। तो जो वल्कन लेना चाहते थे वो इस बाइक के लिए ज़रूर वेट करें, क्योंकि मेरा मानना है कि ये वल्कन से ज़्यादा वैल्यू ऑफर करेगा। रॉयल एनफील्ड के बड़े सर्विस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर पाओगे, उससे क्या होगा, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि भाई मेरे पास पावरफुल बाइक है, बट अगर कल कुछ हो जाता है या मुझे पार्ट्स रिप्लेस करना होगा तो उसमें इतना पैसा आपको नहीं डालना पड़ेगा जितना आपको कावासाकी वल्कन पर लगाना पड़ेगा। तो एक राइडर मेनिया होने वाला है गोवा में 18th और 20th नवंबर के टाइम पे।
जब ये लॉन्च होने वाला है, और उसके अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा जब लॉन्च होगा, बाइक कैसे होगा, इसके कंपैरिजन वीडियो और टेस्ट राइड भी लेके आऊँगा आपके लिए। आपसे मैं फिर से मिलूंगा, टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट, बाय बाय।